फ्रॉम ड्यूसॉर्फ। प्लीज सर, वेलकम सर। थैंक यू प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस सर, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश सर, आपका स्पेशली धन्यवाद कि आपने इतनी गर्म जोशी के साथ आपने मुझे बुलाया है। आज जितने भी लोग आज हमारे इस वेबिनार में उपस्थित हैं, उन सब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच अभी मैं बता दूं तो अभी लगभग 270 लोग हैं जो आज मुझे सुनना चाह रहे हैं, मुझे जानना चाह रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों का वो मतलब धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपनी धैर्य को बनाए रखा और मुझे सुनने की चाहत रखते हैं। तो आज मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो मैं आज जो आपके सामने लेके आया हूं अपनी जिंदगी के उस वो पल लेके आया हूं, वो दिन लेके आया हूं जिस दिन के बारे में मैं खुद सोचता हूं तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूं कि मुझे वो दिन के बारे में बातें करनी है। तो मैं आप तमाम को बिलीव दिलाता हूं कि जब मेरी बातें खत्म हो जाएंगी तब आपको विश्वास होगा, आपके हाथ में एक निर्णय होगा जिससे आपकी जिंदगी बदलती हुई दिखेगी। दोस्तों, आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस पे उन तमाम लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, जिन्होंने मुझे लायक बनाया, मेरे माता पिता, मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूँ CNS का, जिस प्रोग्राम के तहत हम लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। CNS का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और CNS के 4 पिलर्स का धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुधांशु सर का, मनीष सर का, रणविजय सर का, चिंटू सर का, जिन्होंने रियल ट्रेनिंग दिया मुझे कि जिंदगी कैसे बनाई जाती है, जिंदगी में सपने कैसे देखे जाते हैं, उन सपनों को कैसे हासिल किया जाता है, ये उन्होंने मुझे सिखाया है। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों लोगों का। मैं आज भी आप लोगों की कॉपी करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। आज मैं ड्यूसॉफ्ट में एक करोड़पति के नाते रिकॉग्नाइज होता हूँ, लेकिन आज जो मैं करोड़पति बना हूँ, आज जो मैं मेहनत करता हूँ, ये सब आपके सिखाए हुए रास्तों के कारण है। आपने जो सिखाया उस रास्तों पे मैं चला हूँ, उससे मैं ये हासिल कर पाया। तो आपको नमन है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने तमाम एसोसिएट, और गेस्टों को भी आज शिक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बताना चाहूंगा अपनी जिंदगी की ये स्टोरी बताने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी से शुरुआत करना चाहूंगा। ये स्टोरी, आज यूट्यूब का जमाना है तो ये स्टोरी जो है वो लगभग लोगों को पता हो, सभी लोगों ने फेसबुक पे या यूट्यूब पे इस स्टोरी को सुने होंगे। और कहते हैं कि आप जब सुने हुए कुछ बात को और सुनते हैं तुम और ज्यादा सीखने को मिलता है। तो मेरे माध्यम से उसको समझिए, सीखिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। दोस्तों, ये स्टोरी एक बच्चे की स्टोरी है। एक पहाड़ी पे एक समाज के, जो पहाड़ी समाज के लोग होते हैं, उनका एक कबीला था और उसमें एक परिवार रहता था जिसमें एक माँ थी और 2 बच्चे थे, 2 भाई थे, एक 6-7 साल का होगा और एक 8-9 साल का होगा। और माँ अपनी मेहनत करके अपने दोनों बच्चों को पाल पोस रही थी और छोटा बच्चा माँ के से जिद करके मेले से खिलौना खरीदता है। मेले में जाकर माँ से जिद करके खिलौना खरीदता और उसको खिलौना बहुत पसंद आता है, बहुत दिन भर उस खिलौने में लगा रहता है, खेलता रहता है। बड़े भाई, जो उसका बड़ा भाई था जो 8-9 साल का था, वो भी उस खिलौने से खेलना चाहता है। और एक दिन ऐसे करते 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 क्या होता है कि बड़े भाई से वो खिलौना टूट जाता है। जैसे वो खिलौना टूटता है तो छोटे भाई, जो बच्चा होता है, उसको बहुत गुस्सा आता है, खिलौना टूट चुका है, वो रोने लगता है, माँ के पास जाता है, माँ से शिकायत करता है कि देखो भैया तोड़ दिया, भैया कितना बुरा है, तोड़ दिया मेरा खिलौना, तोड़ दिया, अब तुम मुझे नया खिलौना दिलाओ। माँ बोलती है, अरे बेटा कोई बात नहीं, खिलौना तो टूट ही जाता है, अभी जब दोबारा जब मेरा लगेगा ना तो मैं दोबारा तुमको दिला दूंगी, तुम घबराओ नहीं। लेकिन वो मानता नहीं है, मुझे नहीं, यही खिलौना चाहिए और अब भी चाहिए। इतना जिद करता है कि माँ भी उसको डांट देती है कि अरे भी अभी कहाँ से आएगा खिलौना, अभी मेला थोड़ी है, अभी खिलौना नहीं आ सकता है, तुम उसी टूटे हुए खिलौने साथ खेलो। वो भाई से फिर झगड़ा करने लगता है कि तुमने गलत किया मेरे साथ, तुम गंदे हो, तुम बुरे हो। और रोते रोते वो घर से कुछ दूर आके पहाड़ के पास एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और रोने लगता है और भाई को देखता है, भाई घर के या बाहर खेल रहा होता है और वहीं से चिल्ला के बोलता है, तुम बहुत बुरे हो,
जैसे ही ये बातें वो बोलता है उसकी आवाज पहाड़ियों में गूंज जाती है और वापस पहाड़ से टकराकर वापस आवाज आता है, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। अब वो जैसे ही ये आवाज सुनता है वो डर जाता है और डर के वो भाग के दौड़ के भाग के जाता है, अपनी माँ के गोद में छुप जाता है और माँ को सारी बात बताता है कि माँ मैंने जैसे ही बोला कि तुम बुरे हो, वो सब लोग मुझे बुरे बुरे, बहुत से लोग मुझे बुरे बुरे कहने लगा कि तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, मैं बुरा नहीं हूँ, भैया ने मेरा खिलवाड़ तोड़ा है, मैं बुरा नहीं हूँ, भैया बुरा है। माँ समझ जाती है, सारी बातें समझ जाती है, माँ उसको प्यार करती है, दुलारती है, कोई बात नहीं, बच्चा खिलौने को भूल चुका होता है, माँ से लाड़ प्यार करने लगता है और भी खेलने लगता है, लेकिन उसके मन में डर रहता है कि कोई मुझे बुरा बोल रहा है। वो बार बार माँ के पास जाके बोलता है, माँ वो बुरा जो बोल रहा है ना उसको तुम जाके डांटो, तुम उसको बोलो कि मैं बुरा नहीं हूँ। माँ उसको समझाती है, बेटा एक काम करो, तुम जाओ और तुम्हारा भाई यहाँ पे है ना, हम और भाई दरवाजे पर रहते, तुम जाओ और वहीं पे जाकर फिर से बोलना कि तुम अच्छे हो। जैसे ही वो खुशी खुशी हंस के जाता है, वही पहाड़ के पास जाता है और पत्थर के पास खड़े होकर भाई को देखता है, माँ को देखता है और देखकर दूर से ही बोलता है, भाई को बोलता है देखकर और बहुत खुश होकर बोलता है, भाई तुम बहुत अच्छे हो। जैसे ही वो बोलता है भाई तुम बहुत अच्छे हो, उसकी आवाज फिर गूंज जाती है और पहाड़ से टकरा कर उसकी आवाज फिर उसके कानों में आती है, भाई तुम बहुत अच्छे हो, भाई तुम बहुत अच्छे हो, भाई तुम बहुत अच्छे हो, भाई तुम बहुत अच्छे हो। वो खुश हो जाता है, माँ के पास फिर जाता है और सब वो लोग जो मुझे बुरे बोल रहे थे अब वो मुझे बहुत अच्छे बोल रहा है, वो मुझे भाई बोल रहा है, भाई तुम बहुत अच्छे हो। ये एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत छोटी सी स्टोरी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस छोटी स्टोरी में बस एक छोटी सी ट्रेनिंग भी है कि अगर आप इस मीटिंग में बैठे हैं और आपको लगता है कि ये सब ठीक नहीं है, तो मेरे दोस्त आपके लिए ये सब ठीक नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये ऐसे मौके तो आते जाते रहते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए ऐसे मौके आते और जाते ही रहेंगे, ये आपके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे ये सब नहीं चलता है, तो मेरे भाई यहाँ पे आपके लिए ये सब नहीं चलेगा। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। और अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे जिंदगी बनाई जा सकती है, तो मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ पे सच में जिंदगी बनाई जाती है, ये आपके लिए बहुत सुनहरा रास्ता है। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे आके धमाल मचा सकते हैं, तो यस आप यहाँ पे आके धमाल मचा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपने माता पिता के सपने पूरे कर सकते हैं, तो यस आप यहाँ पे आके अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपने माता पिता के सपने पूरे कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ लगता है कि आप यहाँ पे काम करके, पढ़ाई के साथ साथ काम करके अपने घर की जिम्मेदारियों को उठा सकते हैं, तो यस सही बोल रहे हैं आप सारी समस्याएं को समाधान करके सब परिवार की जिम्मेदारियों को उठा सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। अगर आपको लगता है आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि आपको अपनी छोटी बहन की शादी करनी है, बड़ी बहन की शादी करनी है, अपना घर बनाना है, अपनी लाइफ स्टाइल बनानी है, तो यस मेरे दोस्त आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। आप यहाँ से वो तमाम काम कर सकते हैं, अपने पूरे सपने पूरे कर सकते हैं। मेरे भाई मैं बिल्कुल 100% सच बोल रहा हूँ। आइए आगे मैं बताता हूँ अपनी उन दिनों की कहानी, जिन दिनों के बारे में मैं सोचकर खुद रोमांचित हो जाता हूँ, एक्साइटेड हो जाता हूँ, मतलब मुझे गर्व हो जाता है कि यार कैसे मैंने ये डिसीजन लिया। मैं आपको अपनी जिंदगी के बारे में बताने से पहले बता दूं, ड्यू सबसे पहले मैं 10 साल मैं कोई स्टूडेंट नहीं था, मैं कोई नौकरी पेशा वाला आदमी नहीं था, मैं 10 साल मैंने एक बिजनेस कुछ बहुत कम एज में मैंने, जैसे प्रकाश सर ने कहा ना कि बचपन से ही पैसे कमाने लगे थे, तो बचपन नहीं था, मैं बचपन से पैसे कैसे कमाऊंगा। हाँ, लेकिन 16-17 साल की एज में मैंने एक बिजनेस को स्टार्ट किया था, स्टॉक मार्केट का बिजनेस को स्टार्ट किया था और संजोग से, भगवान की कृपा से, माता के आशीर्वाद से वो बिजनेस भी बहुत तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि पढ़े लिखे घर का था तो बहुत सी बातें मुझे जल्दी समझ में आती थी और बहुत तेजी से बिजनेस बढ़ने लगा। और ऐसा बिजनेस बढ़ने लगा कि मैं उस बिजनेस से ही मतलब 18-19 साल की एज में, मुझे याद आता है ये कहानी लगभग 18 साल पहले की है, उस समय मेरी इनकम 30,000-35,000-40,000 रुपए थी। वो समय था 2003-04 की समय था, 2002-2003 की समय था, तो आप समझ जाइए कि एक 20 साल या 18 साल के लड़के के पास इनकम थी
40,000 का 50,000 का एक निश्चित शेड्यूल था कि मुझे 8 बजे अपने घर से निकल जाना है और 9 बजे तक ऑफिस पहुंचना है, 4-5 बजे फिर ऑफिस से निकल जाना है, फिर एक छोटा सा और ऑफिस था वहां बैठना है, फिर वहां काम करके रात को फिर शाम में 7 बजे फिर ऑफिस से निकलना, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना है, फिर घर आना है, आराम करना है, फिर सुबह डेली का यही रूटीन था। और ये मैं 10 साल से कर रहा था और उसमें मुझे मजा भी आ रहा था क्योंकि इनकम हो रही थी। और आप खुद सोच के देखिए, जब आप 20 साल के होते हैं और आपकी इनकम 40,000-50,000 की होती है तो आपका सर्किल बहुत बड़ा हो जाता है, आपके दोस्त बहुत हो जाते हैं क्योंकि आप पैसे खर्च करने वाले होते हैं। जैसे मैं काम कर रहा था, पैसे कमा रहा था, तो जो मेरे दोस्त थे, कोई तैयारी कर रहा था, कोई पढ़ाई कर रहा था, कोई कुछ कर नहीं रहा था, सभी लोग पढ़ने में थे, मैं सिर्फ सिंगल ऐसा था जो मैं पैसे कमा। और इसलिए मैं आज बोलना चाहूंगा, इसलिए मेरे को लगता था कि मैं सुपीरियर हूं, मैं बहुत बड़ी चीज हूं, मुझे मैं कुछ ऐसा हूं जो और लोग नहीं। सर्कल में मेरा अपना स्टैंड था, जो मैं कहता था वही होता था, जो मैं नहीं कहता था वो नहीं होता था। लोग छोटी मोटी बड़ी पार्टियां सबके लिए मुझे मेरा इंतजार करते थे, तो ये ऐसा था। तो मेरे अंदर एक अलग तरह का गुमान था कि मैं कुछ बड़ा चीज, लेकिन मैं ड्यूस ऑफ करूंगा ऐसा तो मैं जीवन में कभी सोचा ही नहीं था, या मैं कोई नेटवर्क बिजनेस करूंगा ऐसा तो मैं सुना ही नहीं था कि कोई नेटवर्क बिजनेस होती है। शेयर मार्केट में था तो हजारों कंपनी के शेयर खरीदना बेचना था, लेकिन कभी भी ड्यूस ऑफ बोल के कोई कंपनी को मैंने जानता भी नहीं था, समझता भी नहीं था। लेकिन मेरे जिंदगी में बदलाव तब आए जब मेरे मित्र जो आज लाखों लोगों के दिलों में बसते हैं, लाखों दिलों के चाहते हैं, मिस्टर चिंटू सर जो हम सबके सीनियर है, वो ड्यूस ऑफ ज्वाइन कर गए और वो ड्यूस ऑफ ज्वाइन करके मेहनत करने लगे, काम करने लगे। और चूंकि उनका मैं बेस्ट फ्रेंड था तो वो चाहते थे कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो बेस्ट फ्रेंड को ही बताएंगे, तो वो मुझे सिस्टम बताने लगे। जब मुझे बताने लगे तो मुझे लगा कि यार मैं क्या करूं, मैं उसमें पैसे कमाता था, पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, घर परिवार से भी स्ट्रांग था तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मुझे लगता था कि मैं क्या करूं। जब भी वो मुझे बोलते थे मैं यही बोलता था यार तू कर ड्यूस ऑफ या मैं करूं, बात बराबर है, मैं करूंगा तो नहीं यार, मेरे पास टाइम कहाँ होता है, मैं कहाँ सुबह से लेके रात तक तो मैं काम ही करता रहता हूँ, जो समय बचता है वो तुम लोग के साथ बिताता हूँ, उसमें भी क्या मैं पकड़ लूंगा यार, तो मैं तेरी मदद कर दूंगा। मैं सोचता हूँ कितना मैं सिल्ली था, कितना मैं बेवकूफ था, जिंदगी मेरे सामने बार बार मौके दे रही थी, जो मैं आज लाइफ जीता हूँ वो मेरे को बार बार मौके दे रही थी और मैं बार बार उसको ठुकरा रहा था, मना कर रहा था, मना तो नहीं कर रहा था, मेरे तंदर से अंदाज कर रहा था। आज मैं सोचता हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि चिंटू सर जब बोलते थे तो मैं बोलता था मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, और मैं कई मीटिंग अपने ऑफिस में करवाया, अपने घर में करवाया। इस कारण कई मेरे ऐसे मित्र भी है, दोस्त है जो मुझसे सीनियर है, ज्वाइन मैंने ही करवाया था, क्योंकि मैं ज्वाइन ही नहीं किया था तो मेरे से सीनियर था, क्योंकि मेरा कंसेप्ट था कि मैं तेरी मदद कर दूंगा यार, तू मीटिंग कर, प्रोग्राम कर, ज्वाइन करवा कर, तू कर, मैं कर दूंगा। लेकिन संजोग से स्टॉक मार्केट में सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है, संजोग से उसी समय एसकेएम में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक प्रोग्राम होता है और चिंटू सर मुझे कॉल कर देते हैं कि यार तू अगर फ्री हो तो आज प्रोग्राम है एसकेएम में आना। देखा ठीक हूँ, मैं आऊंगा, छुट्टी का समय था, चलूंगा आऊंगा। और प्रोग्राम में गया नहीं हुआ तो गांधी मैदान के पास है, पटना के गांधी मैदान के पास श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल है, वहां पे अगर प्रोग्राम मजा आया तो जाऊंगा, नहीं होगा तो वहां उस समय 3-3 सिनेमा हॉल हुआ करते थे, मोना सिनेमा, रिजेंट, ये सब हुआ करते थे, जो लोग पुराने होंगे वो जानते होंगे। तो वो मैं सोचा कि नहीं होगा तो पिक्चर देख लूंगा यार, छुट्टी का दिन है, थोड़ा सा वीकेंड में एंजॉय कर लूंगा। लेकिन जब मैं प्रोग्राम में गया, एक अहम के साथ गया कि बस सुनना है, ये सोच के नहीं गया कि मुझे समझना है, देखना है, मुझे अपनी जिंदगी बतानी है, ऐसा कुछ नहीं था, बस प्रोग्राम में जाना है, देखना है, बस ये सोच के मैं गया। अब प्रोग्राम पसंद नहीं आएगा, कुछ ऐसा कुछ होगा तो मैं पिक्चर देख लूंगा, ये भी बात था। मैं वहां गया, चूंकि चिंटू सर का दोस्त, हॉल खचाखच पड़ा हुआ था भैया, जितने लोग हॉल के अंदर थे उतने लोग हॉल के बाहर थे, लोग बसे भर भर के चिंटू सर के लोगों को सुनने आए थे। तो मैं चूंकि चिंटू सर का दोस्त था, हॉल में जगह नहीं थी, फिर भी एक रेड चेयर लगाकर मुझे बैठाया गया, क्योंकि मैं तो चिंटू को जानता था, चिंटू सर को तो जानता ही नहीं था। मैं वहां गया तो मैं जाना कि यार ये जो चिंटू सर है, जो चिंटू है हमारे साथ जो फ्रेंड सर्कल में बोला करता है, रहता है और बोलते हैं हमको जो ज्वाइन करो इस सिस्टम को, वो बहुत बड़े सीनियर है, उनके नीचे उस समय 10,000-12,000 लोग थे, बहुत पैसे कमाते हैं। कम में जाना, सब लोग चिंटू सर कह रहे थे। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा तोप है यार,
मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन वो दिमाग में नहीं आया। प्रोग्राम चला उस समय मुझे याद है, जैसे आज इस वेबिनार में कुछ लोग आ रहे हैं, टीचर्स आ रहे हैं कि मैं यहाँ से अपने बच्चों के लिए लिया, मैं यहाँ से पैसे भी कमाता हूँ, उसी तरह से सेमिनार में कुछ लोग आए स्टेज पे, मैं बहुत प्रभावित जो हुआ, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, बहुत प्रभावित जो हुआ उस समय। साइंस पटना में साइंस कॉलेज का पढ़ना, तो उस समय साइंस कॉलेज के फिजिक्स के एचओडी शायद कोई थे, समझा सर थे कोई, वो स्टेज पे आए और वो प्रोफेसर होके वो बोल रहे हैं कि मैं इसमें अपना काम करता हूँ, समय निकलता है उससे काम करता हूँ, और इस ड्यूसअप से आज मैंने 10 से 12 लाख रुपए कमाया। मुझे लगा यार ये टीचर प्रोफेसर होके इनकी सैलरी होगी उस समय लाख रुपया महीने का, वो आदमी ड्यूसअप कर रहे हैं। मुझे लगा कि ये, मैं जानता था ये कुछ है अच्छा चीज है, लेकिन इतनी बड़ी चीज है मैं ये नहीं जानता। तो मुझे लगता था कि ये दोस्त लोग करेंगे, मतलब वे 2, 4, 10, 20 लोग ज्वाइन करवाने का सिस्टम है, ये 4, 10, 20, 25 हजार कमाने का सिस्टम है, इससे ज्यादा का मैं कभी सोचता ही नहीं था, उतना भी नहीं सोचता था, 10-12 हजार से नीचे के लोग कर सकते हैं। लेकिन वो जब बोले ना तो मुझे मेरे अंदर को वो चाह जगा। उस समय पंजाब से एक सीनियर आए थे, दिल्ली से एक सीनियर आए थे, जब दिल्ली के सीनियर आए थे वो एयरफोर्स में थे, वो बोले कि मैं इंग्लिश में बोलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। मुझे लगा यार ये तो टैलेंटेड बंदा है, पापा इंग्लिश में फटाफट बोले जा रहे हैं और उनकी बात पे लोग तालियां बजा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, और उनकी बातें दिल में चुभती थी, लगता यार सच बोल रहा है, यार सच बोल रहा है। और उन्होंने बताया कि बाय प्रोफेशन मैं एयरफोर्स में हूँ और मैं जब समय मिलता है मैं ड्यूसअप करता हूँ और यहाँ से मैंने लाखों रुपए कमाए हैं। मेरा बहुत बड़ी चीज है यार। उसके बाद जो पंजाब के सीनियर आए वो बोले कि मैं सीए था, मैं सीए कर रहा, मतलब सीए का मेरा ऑफिस था, मेरी प्रैक्टिस थी। अब मेरे समाज में यार कि मैं कॉमर्स बैच करता, मेरे को कॉमर्स मैंने पढ़ा था, तो जितने भी लोग कॉमर्स पढ़ते हैं या जितने भी लोग साइंस पढ़ते हैं, आप मैथ्स पढ़ते हैं तो आपको इंजीनियर बनना है, ये आपके अंदर का ख्वाब होता है। अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो आपके डॉक्टर बनना, ये आपका ख्वाब होता है। उसी तरह से मेरे को तो ख्वाब था कि मैं भी सीए बनूंगा, लेकिन वो रास्ते में भटक गया, मैं पढ़ाई की तरफ गया ही नहीं, मैं शेयर मार्केट की तरफ चला गया। लेकिन दिमाग में तो था कि सीए बहुत बड़ी चीज होती है। वो बताया कि यार अजी मैं तो सीए का ये कर रहा था और मैं उसको छोड़ के मैंने ड्यूसअप किया और आज मैं काम कर रहा हूँ, इतने हजारों हजार लोगों की टीम है और मैंने करोड़ रुपया कमाया है। मैं कहता हूँ मेरे सारे के सारे जो कहना कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ खत्म हो गया। और मैं लेकिन फिर भी कम एज था, बचपना था, फिर भी मेरे को ये नहीं हुआ कि चल भाई आगे से चल के बोल के मैं काम करूंगा, मैं ज्वाइन करूंगा, मैं नहीं किया। लेकिन पता नहीं कब ड्यूस ऑफ पता नहीं चिंटू सर के साथ रहते रहते प्लान करते करते कब मैं ड्यूस ऑफ ज्वाइन कर गया और ज्वाइन कर गया, काम करने लगा, सीखा इस बिजनेस को। चिंटू सर चूंकि मेरे फ्रेंड थे तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सिखाया, मुझे बताया। आज टीचर्स डे पे उनको स्पेशल मैं धन्यवाद देता हूँ कि सर आप नहीं सिखाए होते तो आज ये लाइफ मैं नहीं जी रहा हूँ। तो वो बताए, तो अब मैं जितने लोगों को प्लान बताता था, सिस्टम बताता था, तो एक तो पहला था कि मैं कुछ पहले से कर रहा था, 10 सालों से कर रहा था, एक्सपीरियंस ज्यादा था। मेरे जितने भी दोस्त हैं उनके फादर्स के नजर में मेरा इमेज कुछ अलग था कि ये लड़का अच्छा करता है, ये लड़का इधर उधर में नहीं रहता है। मैं जितने लोगों को प्लान बताता वो ज्वाइन कर। एक मजेदार कहानी आपको बताता हूँ, अपनी जिंदगी की एक शानदार बात बताता हूँ। शुरुआती दौरों में जब मैं काम किया तो 28 लोगों की ज्वाइनिंग एक सप्ताह में निकाला, एक सप्ताह में मैंने 28 लोगों को ज्वाइन करवा दिया। उसका ड्राफ्ट रख के शेयर मार्केट में था तो बैंकर्स सब लोग ऑफिस में आते थे तो ड्राफ्ट, उस समय ड्राफ्ट बनाने में बहुत तकलीफ होती, आज तो ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, ड्राफ्ट बनाने में बहुत तकलीफ होती थी, बहुत दिक्कतें हुआ करती थी। लेकिन मेरा अकाउंट प्रीमियम अकाउंट था उस समय बैंक में, तो मेरा ड्राफ्ट फट से बन जाता था। 28 लोगों का मैंने पेमेंट भेजा कंपनी। 10 दिन में एक ICICI का चेक आता है, कौशल कुमार सिन्हा, 10,470 रुपया। मेरे को लगा कि यार मैं जो पेमेंट भेजा हूं ना कुछ गड़बड़ हो गया और ये 10,470 रुपया वापस आ गया। मैं तुरंत बाइक उठाया और चिंटू सर के घर पे गया, तो चिंटू सर अवेलेबल नहीं थे, टीम बड़ी थी वो बाहर गए हुए थे और मैं इंतजार कर, उस समय मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, तो मेरे पास मोबाइल फोन था और किसी के पास मोबाइल फोन नहीं था, तो शेयर मार्केट में था तो मोबाइल फोन मेरे पास था। तो और चिंटू सर जब आए उनको पता चला कि कौशल आया था घर पे, तो उन्होंने मेरे
मेरे घर अपने घर से मेरे घर पे लैंडलाइन पे फोन किया, तो मैंने कहा यार ऐसा ऐसा है कि बहुत गड़बड़ हो गया, 10,470 रुपए वापस आ गए। तो उन्होंने बोला क्या हो गया बताओ तब ना, तो अरे यार मैंने जो पेमेंट भेजा था 28 लोगों का ना, 10,470 रुपया का एक चेक मेरे नाम से आया है वो वापस। चिंटू सर बहुत हंसे और बोले कि अरे यार वो 10,470 रुपया ना वो कंपनी वापस नहीं की है, ये 12,000 का तो आखिर आपने प्लान सुना होगा कि प्लस पहला पेमेंट 2,000 आता है, तो मैं तो 2,000 का इंतजार कर रहा था कि मुझे को 2,000 बन गए, मेरा 2,000 आएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये 28 लोग को ज्वाइन करवाया ना, तो ये सब तो मिला के आपको 12,000 का पेमेंट बना है और 10,470 रुपए का आपका टीडीएस वीडियो सब काट के टैक्स वगैरह काट के ये आपकी मेहनत है। मुझे लगा यार मैंने किया क्या कि मुझे एक सप्ताह में 10,470 रुपए आ गए, मैं सरप्राइज था और एक्साइटेड भी था। एक्साइटेड तो ये जितना था कि मैंने वो एक महीना तो उस चेक डाला ही नहीं बैंक में, मैं लोगों को दिखाते रहा कि देख भैया मेरे 10,470 रुपया आया, 10,470 रुपया आया है। और लेकिन मेरे को ये बात समझ में आ गई दोस्त कि अगर ये कंपनी 10,000 दे सकती है तो ये 1,00,000 भी देगी, अगर ये 10,000 दे सकती है तो 1,00,000 भी देगी। और अगर मुझे आज भी विश्वास है कि ये 10,470 रुपया या 1 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया जो मैं कमाया वहां दे सकती है तो ये 25 करोड़ भी देगी। इसी विश्वास के साथ मैं भिड़ गया कि जितने लोग मिलते थे मुझे कोई मतलब नहीं होता था, इस कंपनी कंसेप्ट को समझ गया था, प्लान समझ गया था, इसकी सारी ऑथेंटिक समझ गया था, रजिस्ट्रेशन समझ गया था, कहां कहां से इसकी सर्टिफिकेशन हुई है वो समझ गया था, कैसे पढ़ाती है ये समझ गया था। मैं जहां जहां भी लोगों को मिलता था सबसे पहला मेरा काम था नेटवर्क बिल्ड करना है, लोगों को बताना है कि मैं डैम श्योर आपको बताता हूं कि मैं इस सिस्टम में सिर्फ पढ़ने नहीं आता। हालांकि कंप्यूटर उस समय भी जो लोग अच्छा से पढ़ते थे वो उस समय भी छोटा छोटा कोर्स करते के बाद विदेशों में चला जाते थे, लेकिन मेरा रुझान पढ़ाई पे नहीं था, मेरा रुझान कमाई पे था कि मुझे ज्यादा टीम बनाना, बड़ी टीम बनाना। और मैं काम करता चला गया धीरे 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 करते 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 बहुत लोगों की टीम बनने लगी। और एक कहानी मैं आपको और सुनाता हूँ, जब मैं काम करने लगा तो अब ऐसा हो गया कि हर सप्ताह पेमेंट आने लगा, हर सप्ताह कभी 10,000 का, कभी 12,000 का, कभी 15,000 का, करते 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 20,000 का पेमेंट आने लगा सप्ताह का। मेरे पिताजी कोर्ट में थे, भाई साहब इंश्योरेंस में आज है, पहले उस नगर निगम में थे, उन्होंने मुझे बैठा के बोला कि भाई एक बात बता, ये तू आज जो ये काम कर रहा है, कहाँ कहाँ जाता है ये काम कर रहा है, ये सही है ना, इतना पैसा तुम्हें कैसे आता है? क्योंकि वो 10,470 रुपया का जो कारवा था दोस्त, करते करते महीने में 1,00,000 रुपया प्लस आ गया। मैं पहले भी बोला था और आज भी बोलता हूं कि शेयर मार्केट में मैंने 10 साल गुजारे, 10 साल गुजारने के बाद भी मैं 1,00,000 रुपया महीना कभी नहीं कमाया, लेकिन ड्यू सॉफ्ट में काम करने के 8वें 9वें महीने के बाद ही मेरे को 1,00,000 प्लस पेमेंट आने लगा, 1,00,000 प्लस पेमेंट आने लगा। और मैं जब काम करने लगा तो मेरे छोटे छोटे सपने तो पहले मेरे घर से पूरे हो जाते थे, फिर मैं कमाता तो उससे पूरे हो जाते थे, जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है। जब मैंने अपनी लाइफ में मोबाइल खरीदा था उस समय मुझे याद है इनकमिंग का पैसा लगा करता था 6 रुपया और आउटगोइंग का पैसा लगा करता था 9 रुपया। और उस समय मैंने सैमसंग C25 करके मोबाइल खरीदा था, उस समय 36-37 हज़ार का मोबाइल खरीदा था जिसमें 10 नंबर ही सेव होते थे, मात्र 10 नंबर सेव होते थे। तो वो छोटे छोटे सपने तो पूरे हो चुके थे, लेकिन जो बड़े सपने थे, जो बड़े बड़े सपने थे, जैसे घर बनाना, जैसे गाड़ी खरीदना, जैसे अपने घर में एसी लगाना, जैसे और बाहर जाकर टूर करना, ये सारे सपने मेरे ड्यू सॉफ्ट से पूरे होने लगे, सरप्राइज, मैं खुद सरप्राइज होने लगा। तो ये जो भी मैंने किया वो इसलिए नहीं कि मैं बहुत मेहनती था, अरे मैं कुछ भी करता तो मेहनत ही करता, वो इसलिए कि मैंने एक सही निर्णय लिया। और निर्णय क्या लिया, मैं तो आज भी कहता हूं कि निर्णय ड्यू सॉफ्ट में ज्वाइन करने का फैसला मेरा नहीं था, वो निर्णय मेरा नहीं था, वो निर्णय हमारे मित्र का था, आज हमारे मेंटर है, हमारे आइडल है चिंटू सर का है, आज बहुत लोगों के भगवान है, मेरे भी भगवान है, उन्होंने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया, उनका फैसला था। मैं आपको कहना चाहता हूं जो आपके मित्र अभी जो आपको इस वेबिनार में लाए हैं, अभी जो इस प्रोग्राम में लाए हैं, वो आज भले 1, 2, 3, 5 लोगों की टीम के मालिक होंगे, आप उन पे भरोसा करके एक बार इस सिस्टम को ज्वाइन की, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे परिवर्तन है। मेहनत करेंगे तो ही पैसे आएंगे, आपके नीचे नेटवर्क बनेंगे तो ही पैसे आएंगे, लेकिन आपको यह आश्चर्य होगा कि आपने, मैं तो आज भी बोलता हूँ कि मैं तो 2, 4, 5, 10 लोगों को ज्वाइन करवाया था, लेकिन आज हजारों हजार लोगों की जो टीम बनी है, आज जो मैं
एक करोड़पति के रूप में रिकॉग्नाइज होता हूँ वो सिर्फ मेरे मेहनत का नहीं है बल्कि वो टीम का है। ये सिस्टम काम कर जाती है दोस्त। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जब आप शुरुआत में एक बीज लगाते हैं तो छोटा सा पौधा होता है, छोटा सा पौधा होता है तो धीरे 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 वो जब आम का पेड़ लगाइए और धीरे छोटा सा पौधा होता है। शुरुआत में पानी डालिए, खाद डालिए, सब डालिए, लेकिन जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है, जब वो वृक्ष बन जाता है तो फिर आप कभी पानी नहीं डालते, आप कभी खाद नहीं डालते, आप कभी कुछ नहीं डालते, बस आप हर साल उससे बड़े बड़े आम निकालते हैं, तोड़ते हैं, फल खाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग यही है और कुछ नहीं है। कि जब आपके नीचे आज 5 लोग ज्वाइन कर गए तो दोस्त अब 4 लोग कभी नहीं होंगे, 5 से 6 होंगे, 7 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे, 5000 होंगे, 10000 होंगे, बढ़ता ही जाएगा। इससे कोई लिमिट नहीं है। बस आपको अपना मैनेजमेंट करके रखना है कि जो लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, जो लोग आपके नीचे वर्कआउट कर रहे हैं, जो लोग वो आगे बढ़ना चाहते हैं, सपने की जिंदगी जीना चाहते हैं, उनको वो रास्ता बताइए जिस रास्ते पे चल के वो अपने सपनों की जिंदगी जी सके। उन्हें ट्रेनिंग दीजिए, उन्हें बताइए, बस यही काम मैंने किया है दोस्त और आज आपके सामने हूं। तो अगर आपका फैसला यश में है तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने यश में फैसला लिया तो सिर्फ ये आपका फैसला नहीं होगा, ये हमारा फैसला होगा। क्योंकि आपको आगे बढ़ाना सिर्फ आपका नहीं है, ये हमारा काम है। क्योंकि आपको मैं खुली भली भांति बताता हूँ, बिजनेसमैन हूँ यार, भली भांति बताता हूँ। मैं जानता हूँ आप जब ज्वाइन करेंगे और आप 10000 कमाएंगे तो मैं खुल के बोल रहा हूँ कि आपसे 10000 मैं भी कमाऊंगा। आप अगर ज्वाइन करेंगे तो फायदा क्या हुआ, एक कंपनी का प्रोडक्ट सेल हो गया, लेकिन आप ज्वाइन करके आपके नीचे 10-20-50 लोग की ज्वाइनिंग हो गई, आप 10000-20000 महीने कमाएंगे तो आपसे 10-20000 महीना मैं भी कमाऊंगा। तो जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे आने के बाद पता नहीं मेरे पैसे डूब जाएंगे, फंस जाएंगे, मैं कहता हूँ आप गलत सोच रहे हैं। अपनी सोच को बदलिए। अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं ये डूब जाएगी, भैया ये 17 साल से तो मैं काम कर रहा हूँ, आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है ड्यूसॉफ्ट, जो ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा देती है और अर्न वाइल्ड लर्न प्रोग्राम जो चलाती है, ये ड्यूसॉफ्ट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है। ये आपका इंतजार नहीं कर रही थी कि आप ज्वाइन करें तभी मैं बंद करूंगी। ये आपका सिर्फ वहम है। वहम से आगे निकलिए, नए चुनौतियों को स्वीकार कीजिए। नया जमाना है, इंटरनेट का जमाना है और इस जमाने को अपनाइए, देखिए आपकी जिंदगी बदलेगी। ये जो आज टीचर हैं, जो आज आके खुले तौर से बोल रहे हैं कि मैं शिक्षक हूं और मैंने काम करने के बाद भी आज मैं पैसे भी कमाता हूं ड्यूसॉफ्ट से, ये पहले ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हूं, मैं पैसे लगा चुका हूं, मेरे पैसे डूबे नहीं है, मैं यहां से पैसे कमा रहा हूं। जिन लोगों ने आपको बुलाया उनके पैसे लगे, वो आपको बुला रहे हैं कि आप आओ यार, आपके अंदर टैलेंट है, क्वालिटी है, आप आगे बढ़ोगे तो मैं भी आगे बढ़ूंगा। इस उम्मीद से एक बार भरोसा करें, विश्वास करें और देखें फिर आपके अंदर कैसे बदलाव। बातें तो बहुत होगी लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का कि आपने अपना कीमती समय दिया, और अगर आज मेरे बोलने से किसी की भी जिंदगी बदलती है तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। थैंक यू वेरी मच।